इधर 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 वाले में आइए, प्रणाम प्रणाम। ओ कैसे हैं? अरे इधर इधर ठीक है। अरे सचिव भैया इधर बैठे। अरे इधर बैठे, आ जाइए सर, आ जाइए। इधर करो बिना, दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा थोड़ा सा भैया मीडिया वालों को जगह दे दीजिए, उसके बाद पॉकेट में डालिए। वो लड़की आपको आना दीजिए नेताजी, थोड़ा सा समझिए। आ जाओ बेटा, तुम आओ ना, तुम आओ। अब देख रहे हैं अखिलेश यादव जी के पास है और अखिलेश यादव पीछे दिखाई दे रहा है ना। आप देख रहे हैं अखिलेश, थोड़ा सा भैया इसको नेताजी देख रहे हैं। लड़की है, समझिए बात, स्थिर हो जाओ, हो जाएगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो बात बात हो गया, हो गया। दिखाई दे रहा है ना, सही है ना। अरे इसको थोड़ा सा रखिए भैया, भैया इधर इधर आ गया अपने। अरे अरे कैसे यार, थोड़ा करो। प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। ये इतना मत झुको ना साथी में। अरे यार कौन है मेरे ऊपर? शशि प्रताप सिंह जी, गजब करते हुए अल्लाह, जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो यहाँ पर हमारे पास हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, दूर सड़क या जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक नया दल, नया संगठन लोगों को जोड़ने के लिए और जिन परिस्थितियों में आज देश की राजनीति जा रही है, उस राजनीति को मैं मुकाबला करने के लिए, उन ताकतों का मुकाबला करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया जिसके तहत आम लोगों को हक और सम्मान मिला, अधिकार मिले, उनको बचाने के लिए नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को पूरा करने के लिए, और जैसा कि नाम में ही है नेशनल इक्वल पार्टी, तो अगर जो सबको बराबरी की बात करें, सबको साथ लाने का काम करें, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात करें, वो वही असली सबका साथ है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हो। अगर असमानताएं रहेंगी तो बराबरी कैसी? सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब सब में बराबरी हो, और बराबरी के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी और तमाम समय समय पर महापुरुष, राजनेता, साधु संत लगातार इसी प्रयास में रहे, जहां राजनीति की धारा में समाजवादियों का और समाजवाद यही है कि प्रॉस्पेरिटी हो, संपन्न हो लोग और बराबरी हो, उस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के शशि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। चार राज्यों का सर, बीते जो चार राज्यों का पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? आपकी पहली प्रतिक्रिया भाई, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे, मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा? हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूँ, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो,
अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है कि कमलनाथ अगर आपसे कमलनाथ का रूप अगर सही रहता है। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत थी, बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पर विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। ईवीएम को तो से डराएंगे आपने जारी करना का चुनाव, मैं जानता हूं इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने टेक्नोलॉजी में स्विगी है, तमाम है, फोन करो खाना आ गया, फोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए, अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई, आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। साथी सर, परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों के फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें, आपकी कोई सीट ना हासिल की हो लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बात वो नहीं है, समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है, ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े
सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूँ यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है, यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार कम मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर बेरोजगार बैठा है और कम मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार, मांग रहा है रोजगार।